यार डैड की बात में पॉइंट तो है, कम से कम प्यार का एक एक रास्ता तो खुला। भैया भैया, हमारा भाभी वाला प्लान काम किया नहीं किया? खाक काम कर रहा है। अरे खुशबू काला बादल बनके मेरे सर पे मंडरा रही है, किसी भी वक्त बरस सकती है। सुपर भैया, इसका मतलब हमारा प्लान काम कर रहा है। भैया एनीवे मुझे थोड़ा काम है, मैं बिजी हूँ। बिजी हूँ? तू मेरी लाइफ बर्बाद करके इतना रिलैक्स कैसे रह सकता है? तेरे जैसे दो चार और भाई मिल जाए ना तो मुझे दुश्मनों की जरूरत ना पड़े। भैया आपकी जिंदगी तो पहले से बर्बाद थी यार, सुधारो। आपकी जिंदगी सुधार रहा हूं भैया। देखिए समझिए, भाभी का जो गुस्सा है ना, उनके प्यार का पहला स्टेप है भैया, समझा करो यार। तुम समझ नहीं रहा है छोटे, ये अमेरिका वाले ना बड़े शातिर होते हैं, हर आने वाले तूफान का नाम यूं ही किसी लड़की के नाम पर से नहीं रखते। कतरीना, एला और अब खुशबू। भैया रिलैक्स यार, सब सही सलामत ही रहेगा। सही सलामत रहेगा? या तू मेरे सिचुएशन की बात कर रहा है या मेरी हड्डियों की? यार मुझे समझ में नहीं आता भैया कि आप इतना घबरा क्यों रहे हैं, कोई एक्चुअल काम ही थोड़ी आपकी जिंदगी में। हाँ छोटे, वो अफसोस तो है ही मुझे, कामिनी ने कभी भावी नहीं दिया, जब देखो तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्या बात कर रहे हो भैया, आर यू सीरियस? कामिनी नाम की एक्चुअली लड़की थी? लड़की? आह क्या लड़की थी वो छोटे, गजब की। कितने आलसी है ना, आखिरी की तीन चिट्ठियों में सिर्फ दिल बना दिया, वो भी टेढ़ा मेढ़ा। ये तो बाई गुनगुना रही है, शायद इसे ही कहते हैं प्यार का जादू। ये बाई भी ना, कभी आधा से बाई को कितना प्यार मिला होगा, अगर पुराने खत पढ़कर ये असर हो रहा तो फिर तो लेकिन आधा तो बाई से अभी भी प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, फिर परेशानी कहां पर है? अच्छा तो परेशानी प्यार की नहीं, प्यार के इजहार की है, चाहे कोई कितना भी प्यार करे पर अगर जुबान से नहीं कहा तो। जब तक तुम वो तीन शब्द नहीं कहती ना खाना, तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। लगता है प्यार में इजहार करना जरूरी है, शायद मुझे भी अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। मानना पड़ेगा छोटे, तू बहुत टैलेंटेड है। हाँ, वो तो मैं हूँ भैया, लेकिन मेरे भाई इस टैलेंट का क्या फायदा जब वो तेरे भाई के ही काम ना आए। काम आएगा ना भैया? अरे जरूर काम आएगा, बस भैया आपको भाभी के सामने एक नाटक करना होगा। भाभी को ये जताइए कि आप फैक्ट्री में थे। तो वो तो मैं था ही फैक्ट्री में, आई मीन ऑफकोर्स थे, पर भाभी को तो नहीं पता ना कि आप थे, और आप होते हो भी उनके लिए वहां नहीं थे। क्यों? कि भैया समझिए, अगर आप वहां थे लेकिन भाभी को लगा कि आप वहां नहीं थे, तभी जाके इफेक्ट पड़ेगा ना भैया। एक मिनट, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि इस वक्त मैं कहां हूं। भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे समझाऊं, बस इतना कह सकता हूं कि अगर आप मेरी बात सुनेंगे ना भैया तो आपको बहुत फायदा होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं भैया। मैं नहीं जानता था कि आप इतने परेशान थे।
शादी मेरे भाई, शादी। खुशबू मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करती है। अब हर वक्त तो मैं तोते की तरह आई लव यू का रट लगा के उसके सामने घूम तो नहीं सकता ना। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन लेकिन हर मिनट ये बात प्रूव करना पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी मुझे ये आई लव यू का बोलना बुलवाना उसमें बड़ा बचपना लगता है। लेकिन अब क्या करें, शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी ही ना। शायद भैया ठीक कह रहे हैं यार, कहीं मैं आई लव यू के चक्कर में बचपना तो नहीं कर रहा। आदा, थैंक यू बेटा। आदा, मैंने आपके लिए रसमलाई बनाई है, आपके लिए ले आऊं? रसमलाई ना? अब हाँ, क्यों नहीं, खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। वैसे भी आज तो मेरा मीठा खाने को बड़ा मन कर रहा है। एक काम करो, हरीलाल को रसमलाई के साथ मेरे रूम में भेज दो, ठीक है? जी। ऑलराइट, सी यू लेटर। क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। कुछ नहीं, वो जो काम दिया था ना तुमने, उसे मैंने पूरा कर दिया। डैड को सारे लेटर्स पहुंचा दिए मैंने, और वैसे भी खनक, जब मैं कोई भी काम पूरा करता हूं ना यार, तो मुझे बहुत सुकून आता है। रहने दीजिए, आप और काम, बात कुछ और है। बताइए ना, क्या खिचड़ी पक रही है आप में और अक्षय भामे? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो आप? मैं सब जानती हूँ, दाल में जरूर कुछ काला है। क्या यार खनक, तुम्हें खाने के सिवा और कुछ सोचता नहीं है क्या? दाल में काला, खिचड़ी पकाना, मुंबई की भाषा में ना दिमाग की दही मत करो ना। और वैसे भी भैया और भाभी के बीच में उनका खोया हुआ प्यार वापस आने की कोशिश कर। वाह, ये तो बड़ा नेक ख्याल है, लेकिन ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? ठीक है बाबा, मजाक नहीं उड़ाऊंगी। पहले बताइए आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे पास एक प्लान है। आगे आओ। मैं ये कह रहा था कि भैया के लिए काम नहीं आती, काम नहीं आएगी भैया के लिए, कर पड़ेगी। क्या बोलते? क्या? क्या क्या और क्या? सोचो, कामिनी के आने से भाभी में जलन बढ़ेगी और फिर बढ़ेगा प्यार। देखना, बस कुछ ही दिनों में ना भैया की त्वचा निखरी निखरी नजर आएगी। The pink will be back in the skin. प्यार वापस आ जाएगा। ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो पहले से जानती थी कि आप जरूर अक्षय भा को कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाएंगे। और अक्षय भा, वो भी कितने भोले हैं, आपकी बातों में आ गए। हे भगवान, आप जानते हैं इसका नतीजा क्या हो सकता है? पुड़थल। खनक, प्यार की राहों पे चलने वाले नतीजे से नहीं डरते। पहले खुद तो प्यार की राहों पे चलना सीखिए, सबसे पहले प्यार लिखना सीखिए। प्यार में ढाई अक्षर होते हैं, साढ़े तीन नहीं। खनक, तुम्हें पता है तुमने मेरी क्रिएटिविटी को समझती नहीं हो। मेरा आइडिया मतलब बेकार होगा, मेरी हिंदी डेफिनेटली बेकार होगी। ऐसी कोई चीज है खनक जो तुम्हें मेरे बारे में बेकार नहीं लगती? सब बेकार है, सिर्फ एक को छोड़कर। रियली खनक, थैंक गॉड, तुम्हें मेरे बारे में एक बात तो अच्छी लगती है।
वैसे वो कौन सी एक बात है? आपकी पत्नी वो तो है कनक। यू नो खाना, तुम्हारी 90% बातें ना मुझे समझ में नहीं आती, पर तुम्हारी बात में दम तो है खाना। मैं बॉम डैड को सुबह से देख रहा हूं, आज मौसम कुछ बदला बदला सा लग रहा है। तुमने देखा खाना कि डैड मॉम को किस नजर से देख रहे थे? हाँ, आपने भी देखा ना। यू नो खाना, मॉम डैड के प्यार को देखकर आज प्यार को लेके मेरे व्यूज बदल गए हैं। डैड कहते तो नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मॉम से प्यार नहीं करते। पर कभी कभी बोलना तो पड़ता है ना, वरना भाई को पता कैसे चलेगा? सिर्फ प्यार होने से क्या, जताना भी तो पड़ता है। लेकिन क्यों खनक, कुछ बातें अपने आप समझनी चाहिए ना, हर बात को जताना जरूरी तो नहीं होता। शायद हाँ, पर ना बिना बोले काम नहीं चलता। शायद करण मुझसे प्यार करती है, और उसके बिना बोले अगर मैं ये बात समझ नहीं पाए तो ये मेरा बचपन है। मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ ये आप ही जानते हैं, पर अगर ये 3 शब्द कहने से आपको खुशी मिलेगी तो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कोई और बात नहीं। भाभी जी, आपने जो चीजें लाने के लिए बोला था वो हम सब ले आए। हाँ ठीक है, अब जाइए। आदा और भाई की सालगिरह के लिए उपहार। आपने कुछ लिया? शादी की सालगिरह का उपहार मतलब गिफ्ट? हाँ वही। ये फेयर नहीं है। हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि घर के छोटे मोटे काम तुम करोगी। आदा और बाई की सालगिरह के लिए उपहार खरीदना छोटा काम, और अक्षय भा को गलत सलाह देकर उनका जीवन खराब करने की योजना बनाना ये बड़ा काम। हाँ क्या योजना वोजना यार, मैं किसी की जिंदगी खराब थोड़ी कर रहा हूँ। और भाभी को भैया पे थोड़ा भरोसा तो होना चाहिए ना यार, इतना शक करते हैं। अब खनक हम दोनों को ही देख लो, मैं कितना कुछ करता हूँ ना ताकि तुम मुझे भरोसा कर सको, है ना? और यही मेरी सबसे बड़ी भूल है। क्यों और क्या, आदा और बाई के लिए उपहार खरीदने की सोची है कभी? बिना चीनी मिठाई खाई आपने? अरे फिर खाना यार, तुम तो हर बात में खाने को ले आती। नहीं खाई है लेकिन आज खा लूंगा। ओके, और अगर मैं गिफ्ट नहीं लाया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार, वैसे भी उनके पास हर चीज तो है। हाँ उनके पास सब कुछ है, और उन्हें ये पता भी है। अगर उन्हें कुछ नहीं पता तो सिर्फ ये कि उनका बेटा उनसे प्यार भी करता है या नहीं। बहुत प्यार करता हूँ। ओके, और अगर उन्हें नहीं भी पता तो आज मैं उनसे कह दूंगा कि आई लव यू, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ खाना। मैं वो 3 शब्द कहने से ना डरता नहीं हूँ। हाँ हाँ, बात को बदलिए मत, उपहार है या नहीं? नहीं है मेरे पास। मैं जानती थी। शांतनु सुन, खाना यू नो मैंने गिफ्ट के बारे में सोचा, सोचते सोचते मेरे मन में ख्याल आया कि यू नो
खनक, खनक मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मेरी बात सुन भी रही हो? खनक मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही। इस अनपार्डनेबल क्राइम के लिए तुम्हें अनपार्डनेबल क्राइम एज एन अपराध, पनिशमेंट, इस घोर अपराध के लिए तुम्हें सजा मिलेगी खनक। मुझे सजा मिलेगी? क्यों, मैंने तो कुछ नहीं किया। किया ना, घोर अपराध। मैंने सचमुच कुछ नहीं किया, और ऐसे डरावनी आवाज में घोर अपराध कहने की कोई जरूरत नहीं है। खनक, तुमने घोर अपराध किया है और उसकी तुम्हें सजा मिलेगी, और तुम्हारी सजा यह है कि मॉम डैड के सालगिरह के गिफ्ट पर तुम मेरा नाम लिखो, वो गिफ्ट तुम मेरे साथ शेयर करोगे। यही है तुम्हारी सजा, अपने पति की बात ध्यान से ना सुनने के लिए। वैसे तुम गिफ्ट में क्या दे रहे हो? हम गिफ्ट में क्या दे रहे हैं खनक? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं यार, जवाब तो दो। तुम्हारा पति हूं मैं। खनक, तुम्हें ना मेरी हर बात सुननी पड़ेगी, ओके? और ये जो गिफ्ट भी है ना, तुम्हें मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं, और क्योंकि तुम मेरी, क्या कहते हो उसे यार, अर्धांगनी। तुम मेरी अर्धांगनी हो। जानते भी उसका मतलब क्या होता है? जानती हो? उसका मतलब ये होता है कि तुम्हें मेरे साथ अपनी हर चीज शेयर करनी होगी। अर्धांगिनी हूँ इसलिए जो भी मेरा है उसमें से आधा आपका हुआ। या देखिए शांतनु, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो आप जानते कि बाई मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उनकी शादी की सालगिरह पर यह तोहफा देकर मैं उनका मन जीतने की कोशिश कर रही हूँ। ये आखिरी मौका है मेरे लिए उन्हें एहसास दिलाने का कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूं, इस घर की बहू हूं। और अगर इस उपहार का श्रेय मैंने आपके साथ बांट लिया तो यह आखिरी मौका भी चला जाएगा। भाई सोचेंगे कि मैंने ये उनके लिए नहीं अपने लिए किया है। प्लीज, आप समझ रहे हैं ना? ऑफिस में था। ऑफिस? हाँ। झूठ मत बोलो। मैंने ऑफिस फोन किया था, आप फैक्ट्री गए थे। फैक्ट्री? हाँ, फैक्ट्री में भी था मैं। अब गया था मैं फैक्ट्री। मैं भी ना आजकल थोड़ी बहुत चीजें भूलने लगा हूं मैं। सॉरी बेबी। एनीवे, डिनर्स रेडी, खा लेते हैं। वो क्या है ना बेबी, आज मन नहीं कर रहा है, दोपहर को बहुत हेवी लंच किया था, इसीलिए तुम खा लो ना। तुम्हारा ये हेवी लंच फैक्ट्री में हुआ है या कहीं और? ये तो मैं पता करवा के ही रहूंगी। डूड, कोई तो आइडिया सोचना होगा, तुम्हें खनक को कन्विंस करना ही पड़ेगा। लगता है जो काम जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ वो खनक को बहला फुसला कर करना पड़ेगा, उसे धमका कर नहीं, बल्कि मुझे खनक से प्यार से बात करनी पड़ेगी।